राहुल गांधी का ट्वीट, खुद पर ईडी की रेड की जताई आशंका। लिखा, ईडी सूत्रों से मिली खबर। राहुल के ट्वीट पर संजय राउत का बयान। कहा, राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर हो सकता है हमला। बोले, विदेशी जमीन पर चल रही है साजिश। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिस्टमैटिक फेलियर होने से किया इनकार। कहा, सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था पेपर लीक। नितिन गडकरी की मांग को मिला ममता बनर्जी का साथ। गडकरी ने हेल्थ और लाइफ प्रीमियम से जीएसटी हटाने की थी मांग। ममता ने किया मांग का समर्थन। आज भी वायनाड दौरे पर राहुल गांधी, भूस्खलन से बेघर हुए परिवारों के लिए किया ऐलान, 100 मकानों का निर्माण कराएगी कांग्रेस। जाति जनगणना को लेकर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर किया प्रहार। बोले, इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं बिहार सीएम। कहा, पूरे देश में होनी चाहिए जाति जनगणना। दिखने लगा ईरान इसराइल के बीच तनाव का असर। एयर इंडिया ने भारत से इसराइल जाने वाली सभी उड़ानें की रद्द। 8 अगस्त तक रद्द रहेंगी उड़ानें। बढ़ते दबाव के बाद राव कोचिंग का फैसला, जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार को 50-50 लाख का दिया जाएगा मुआवजा। पिछले दिनों बेसमेंट में संचालित राव कोचिंग में जलभराव से गई थी 3 छात्रों की जान। दिल्ली हाईकोर्ट से विभव कुमार को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी है विभव कुमार। नजूल लैंड मामले में अखिलेश यादव का ट्वीट, भाजपा पर लोगों के घर मकान छीनने का लगाया आरोप। बिल को हमेशा के लिए वापस लेने की मांग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, हमास की कैद में बंधकों को लेकर दिया बयान। कहा, बंधकों की रिहाई के लिए लगातार काम कर रहा है फ्रांस। भारत श्रीलंका की 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच जारी। श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में जारी है मैच। आयुष्मान गायकवाड़ को श्रद्धांजलि देने वहां पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी टीम इंडिया। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 885 अंकों की गिरावट के साथ 80,981 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 293 अंकों की गिरावट के साथ 24,717 पर बंद हुआ निफ्टी। बॉलीवुड में लगा भोजपुरी का तड़का, पवन सिंह की आवाज में रिलीज हुआ स्त्री 2 का नया गाना। 15 अगस्त को रिलीज होगी मूवी। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में तापसी पन्नू और फरदीन खान भी आएंगे नजर। 15 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।